लेवी के बारे में। तो फ्रेंड जैसा कि आप देख ही रहे हैं, हमारा लेवी है कितना ब्यूटीफुल, कितना क्यूट है फ्रेंड्स, और यह करता रहता है हर टाइम मस्त। तो फ्रेंड्स इस लॉकडाउन में कैसे आप अपने डॉग के लिए घर में ही कॉलर बना सकते हो? तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये कॉलर जो है वो हमने ही बनाया है। इसे आप इजीली घर में आसानी से तैयार कर लोगे और कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली है फ्रेंड्स, और आपका जो पेट है वो भी हो जाएगा एकदम खुश। देखिए जैसा कि हमारा लेवी हो रहा है इसे। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख रहे हो हमारे लेवी को, तो ये कॉलर पाकर फ्रेंड्स वो तो हो गया है एकदम। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख पा रहे हो हमारे लेवी को तो पसंद आ गया है ये कॉलर, बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। और इसी के साथ फ्रेंड्स आप देख पा रहे हो ये इस तरह की हमने बना ली है, इसके लिए एक रोप इसमें लगा हुआ है, इस तरह से ही लॉक जिस तरह से ये बाजार में आता है, और इसी तरह से इसके बैक में भी आप देखोगे तो इस तरह से ये होता है टांगने के लिए कि इसको आप कहीं भी बांध सकते हो, तो जिससे आपका लेवी सॉरी हमारा लेवी जब मस्ती करता है तो हम इससे इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके लिए आप देख पा रहे हो, हम मैं इसको बांध कर भी दिखाती हूँ कि देखिए, और ये जो पट्टा आप देख रहे हैं, कॉलर देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये हमने ही तैयार किया है। और इसके ये देखिए लग रहा है ना एकदम प्रिटी, और हमारा लेवी तो इतना खुश हो रहा है। तो फ्रेंड्स जैसा आप देख ही पा रहे हो फ्रेंड्स कितना फनी एक्ट करता है, इसको बहुत ही अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स ये सब कुछ। और हम इसके लिए कुछ भी बनाते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है फ्रेंड्स, ये अपनी खुशी हमें दिखा रहा है, ये हमको एंटरटेनमेंट कर रहा है, तो ये कर रहा है हमको एंटरटेन। तो फ्रेंड्स आप भी एंटरटेन जरूर हो रहे होंगे इससे फ्रेंड्स, जैसा आप देख पा रहे हो इसकी फुल टॉस मस्ती तो आप देखते ही रहते हो। और इसी के साथ साथ देखिए फ्रेंड्स ये तो फ्रेंड्स आज हम यही रोप और यही इसका कॉलर बनाना सीखेंगे आसानी से, तो देखते रहिए हमारे लेवी को इसी तरह से इसकी एक्साइटिंग वीडियो के साथ। तो आप देख पा रहे हो ये है लेवी का एक पुराना जो कॉलर है वो है फ्रेंड्स, तो इसके लिए हमने ले ली है इस तरह से बाज़ार में मिलने वाली जो निबाड़ होती है फ्रेंड्स वो ले ली है हमने, तो उसको कट करके ले लिया है फ्रेंड्स। हमें ये 20 रुपीज़ की पड़ी है, बहुत ही सस्ती है फ्रेंड्स, तो हमने ढाई तीन मीटर के करीब इसको परचेस किया है, तो उसे हम बना रहे हैं ये रोप। तो इसके लिए सबसे पहले हम निकाल लेंगे इसका ये पुराना वाला लॉक, जो कि जिसे हम इसको लॉक करेंगे, तो इसको इस तरह से आप डबल करके फिट कर लीजिए इसमें। फिर आप देख रहे हो फ्रेंड्स यहाँ पर इस तरह से हमने लगा लिया है इसको, और फिर हम कर लेंगे इसके अराउंड अराउंड चारों तरफ से हम इसको सिल लेंगे, जिससे कि हमारी जो डबल रोप है वो और भी ज़्यादा हो जाएगी मजबूत। तो हम इसको इस तरह से सिल रहे हैं चारों तरफ से, जिससे हमारी जो रोप है उसमें और ज़्यादा मजबूती आ जाएगी, और इसका जो कॉलर है वो थोड़ा थिकनेस आ जाएगी, थोड़ा हार्ड हो जाएगा, तो इसके लिए इसको बना करके करते हैं तैयार। तो इस तरह से एक साइड हमने सिलाई लगा ली है, इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी इसी तरह से सिलाई लगानी है, और उस दूसरी तरफ को भी इसी तरह से सिलकर तैयार कर लेना है। और एक्स्ट्रा धागे हैं वो सारे आप काटते जाइए, तो इस तरह से ये आपका लॉक सिलकर तैयार हो जाता है। और फ्रेंड्स आप देख पा रहे हो इसके ऊपर ही जहाँ लॉक लगा हुआ है वहाँ पर हम दो तीन सिलाई और लगा देंगे, जिससे इसमें थोड़ी सी मजबूती आ जाए। इस तरह से हम थोड़ा इसको रोप को बीच में से भी सिल रहे हैं, जिससे ये थोड़ा और मजबूत हो जाएगी सब जगह से, ऐसा नहीं लगेगा कि हमने दो पट्टियों को लेकर सिला है। और फिर आप देख रहे हो फ्रेंड्स इस तरह से ये एक जो हुक सा होता है इसी का बना हुआ, तो हम वो बना रहे हैं, तो इसको भी हम इसी तरह से सिल लेंगे डबल करके। और ये लगा लिया हमने इसके अंदर, ये देखिए फ्रेंड्स। अब हम एक जो हमारा पुराना रोप है उसी से मेज़र करते हुए कॉलर के जो होल होते हैं उनमें इस तरह से मार्कर से डॉट डॉट लगा लेंगे, जिससे हमें कोई परेशानी ना हो, इक्वल जो निशान बनेंगे तो एकदम सही मेज़र आएगा। और इसी तरह से फ्रेंड्स जो बड़ी वाली रोप है उसका भी हम इसी तरह से लॉक काट कर निकाल ले रहे हैं,
और ये हमारे पास एक और इसी तरह की स्ट्रिप हमने ले ली है रोप वाले से, तो उसको भी हम डबल करके थोड़ा सिल रहे हैं। तो आप देखिए इसके अराउंड अराउंड हम लगाएंगे यहाँ पर सिलाई, इसको हमने कर दिया फोल्ड और इसको थोड़ा सा मजबूत करेंगे 3-4 सिलाइयाँ लगा कर। ये देखिए फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम सिलाई लगा के इसको कर रहे हैं थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग। 3-4 सिलाई आप लगा लीजिए जिससे ये अच्छे से मजबूत हो जाए, क्योंकि आपका डॉगी जब खींचेगा इसको तो आपकी जो रोप है वो थोड़ी टूट भी सकती है, तो खुल सकती है सिलाई, तो इसलिए आप इसको मजबूती देने के लिए 3-4 सिलाइयाँ लगाइए इसमें। और इसी तरह से फ्रेंड्स ये डबल करके हम ऊपर की साइड इस तरह से ही मार्केट के जो रोप होते हैं वो बने हुए आते हैं, तो आप डबल करके इसको लगा लीजिए इसमें भी सिलाई, तो आप इसको कहीं भी टांग सकते हो, तो आपका डॉग जो बंधा है वो फिर कहीं नहीं जाने वाला। अच्छे से देखिए एकदम बाजार जैसा लुक आ रहा है इससे। और ये हमारी हो गई है रोप बनकर तैयार, कॉलर भी बनकर तैयार हो गया है फ्रेंड्स। और इस तरह से हम इसमें कर रहे हैं, जो हमने मार्क लगाए हैं उनसे छेद कर ले रहे हैं हम यहाँ पर, जिससे कॉलर को पहनाने में हमें आसानी होगी, क्योंकि जिस नाप का आपके जो डॉग का साइज़ होगा गले का उसके अकॉर्डिंग आप इसको पहना पाओगे, तो सारा मेज़रमेंट जो है वो आपको पुरानी जो आपके पास रोप और कॉलर पड़ा होगा तो फ्रेंड्स उसको ही ध्यान में रखते हुए बनाना है। तो हमारे लैबी की कॉलर वाली वीडियो और उसकी जो रोप है उसकी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो कर लीजिएगा इसे सब्सक्राइब। तो लैबी की तरफ से बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लैबी से बाय बाय, से हाई फाइव, हाई फाइव, ये।